गाजीन आदाब खबरनामे में आपका खैर मकदम है मैं हूं फयाज अहमद फयाज पहले सुर्खियां ग्रेटर श्रीनगर के जोन थर्ड में सेवरेज सकीम के काम में सूरत लाने की डिवीजनल कमिश्नर की अफसरान को हिदायत लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू कश्मीर और रिऑर्गेनाइजेशन और अमेंडमेंट बिल दो पास होने पर जम्मू कश्मीर के अवाम में खुशी वादिया कश्मीर के तमाम अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्रामों का इनकाद वादी के कई मकाम पर यू के तहत कई प्रॉपर्टी जब्त और जोजिला पास पर सड़क हादसा पांच अफराद जा मह के साथ। कश्मीर के डिविज़नल कमिश्नर विजय कुमार भिदोरी ने ग्रेटर श्रीनगर के जोन थर्ड में सेवरेज स्कीम के काम में सूरत लाने की अफसरान को हिदायत दी है वो आज श्रीनगर में जामा सेवरेज स्कीम के काम की पेशरफ का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत कर रहे थे मीटिंग में पीएचई और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियरों के अलावा एन के जनरल मैनेजर और श्रीनगर म्युंसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदों ने शिरकत की मीटिंग में बताया गया कि ट्रंक सेवर लाइन का निन्यानवे काम मुकम्मल किया गया है जबकि लैटरल सेवियर लाइन का काम पूरी तरह से अंजाम दिया गया है डिवीजनल कमिश्नर ने मुतासर दुकानदारों की बाजाबादकारी के काम को जल्द अंजाम देने की भी हिदायत जारी की जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जस्ट एन कोटेश्वर सिंह ने आज जम्मू में फर्स्ट एड अवेयरनेस कैंप का इफ्ताह किया इस कैंप का एहतमाम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इश्तराक से किया था इस कैंप के इनका का मकसद वुकला को फर्स्ट एड से मुतलिक जरूरी तरबियत फराहम करना है कैंप के दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एहलकारों ने वुकला को फर्स्ट एड की तरबियत फराहम की जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन बिल और रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल से मुतल यह खबर लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इस इकदाम पर सरकार का शुक्रिया अदा किया है डीडी न्यूज से बात डीडी कर... न्यूज से बात करते हुए लोगों ने कहा कि इन बिल्स के पास होने से अवाम को काफी फायदा मिलेगा तो माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो कल बिल पास करवाया है जो रेजोल्यूशन दिया है वहाँ पे और सबसे बड़ी चीज इसमें सराहना की बात यह है कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे जितने भी नुमाइंदे बैठे थे किसी ने भी उसका अपोज नहीं किया सब लोगों ने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा जिसपे कम से कम जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको जो सत्तर साल से पिछले सत्तर साल से जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे उनको जस्टिस मिला ये सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है ये जम्मू कश्मीर के हित में है ये लोगों के हित में है हमारी असेंबली बढ़ गई इसका मतलब है कि जमीनी हक, हकाइक जो जम्मू कश्मीर में है जो आज तक हक नहीं दिया गया था आज वो हक मिला है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और लोगों के लिए काफी ज़्यादा इससे फायदा मिल सकता है और खासतौर पर अगर हम देखें माइनॉरिटीज के लिए वुमन के लिए जो कहीं ना कहीं पे जो हमारे एक पंडित बरादरी कहीं पे पीछे थी उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दौरान सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास किए जाने पर सवालात खड़े किए श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए तारिगामी ने कहा कि कश्मीरी पंडित तबके के लिए असेंबली में दो सीट्स मुख्त रखने के एकदाम से यह जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार इन लोगों को वापस अपने घरों में बसाना नहीं चाहती है गुजर बकरवाल यूथ ने जेके एसटी एमेंडमेंट बिल को वापस लेने का मुतालबा किया है श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन नौजवानों ने कहा है कि गुजर बकरवाल तबके के लोग शेड्यूल ट्राइव जुमरे में अपर कास्ट को शामिल करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं अब सियासी पार्टियों से मुतलिक चंद खबरें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अवाम गुनागु मुश्किलात से दो चार त्राल में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा जलसे से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में कायम तरक्की और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी वो आज बांडीपोरा में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर पार्लिमानी इंतब लड़ेगी इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी के दीगर कुछ लीडरान के अमरा वाल्टेगोनाड कुलगाम का दौरा करके शिमला के सड़क हादसे में जांबा हुई अफराद के अहलखाना के साथ तहजीत की उन्होंने एल जी इंतजामिया से मुतालबा किया कि मरने वाले अफराद के लवाकिन को माकूल मुआवजा देने के अलावा जख्मी अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए बखूबी ना वाकिफ है कि पूरे जम्मू कश्मीर में विकसित भारत के सिलसिले में प्रोग्राम जारी हैं अगर आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से तो यहां बिजबिहाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में एक प्रोग्राम वहां गुंड बाबा खलील में मुनदद हुआ इस मौके पर बीडीओ बिजबाहाड़ा जहां जैब खान और दीगर जिला अफसरान वैन का इस्तेमाल किया इस मौके पर मुख्त महकमों की तरफ से मरकजी सिक्कीमों से मुतलिक जानकारी फराम करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे तकरीबन स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए अब विकसित भारत से मुतलिक कुलगाम का हाल जानते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज वुअन कईमू और कुलगाम बुलाकों के तहत नौ पंचायत हल्कों में पहुंची इस दौरान लोगों को मरकजी मावनत वाली स्कीमों से मुतलिक जानकारी फराहम की गई शौरत पंचायती हल्के में इस सिलसिले में मुनतदा प्रोग्राम की सदारत एसपी हेडक्वार्टर जीएम भट्ट ने की इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इन स्कीमों की जानकारी हासिल कर रहे हैं अगर बड़गाम जिले की बात करेंगे बड़गाम जिले के खाक बुलाक में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनद हुआ इस मौके पर बुलाक डेवलपमेंट ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और मकामी लोगों ने यात्रा वैन का फूलों से इस्तेबाल किया वैन के जरिए लोगों को मरकजी सिक्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई नाजीन बाडीपोरा जिले की अगर बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज बाडीपोरा में यात्रा वैन ने दस पंचायत हल्कों में लोगों को मरकजी मामलत वाली फलाई सिकीम के बारे में जानकारी फराहम की इन प्रोग्रामों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की विकसित भारत संकल्प यात्रा के श्रीनगर में श्रीनगर में भी कई प्रोग्राम मुनकद हुए अगर हम बात करेंगे श्रीनगर के खनमू इलाके की विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज यात्रा वहन खनमू के मुख्तलिफ पंचायत हल्कों में दाखिल हुई इस दौरान लोगों को मरकज की मुख्त फलाई स्कीमों से मुतलिक जानकारी फराहम की गई इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मकमों के अफसरान भी मौजूद थे अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं बारामूला पुलिस ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के सिलसिले में रहनमा खतूत जारी किए पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो मिलिटेंसी अलाज की पसंदी धमकियां और मजहबी मुनाफरत से मुतलिक कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर ना करें पुलिस ने लोगों से कहा है कि वह अमन अमान की बरकरारी में अपना तान पेश करें नाजरीन अब एनआईए की कार्रवाई और प्रॉपर्टी जब्त किए जाने से मुतलिक च खबरें पांच और छह दिसंबर को गांधरबल जिले में उन चार रोपोष अफराद की प्रॉपर्टी जब्त की गई जो पाकिस्तानी मकबूज कश्मीर चले गए हैं गांधरबल पुलिस ने पांच दिसंबर को गुटलीबाग इलाके में लतीफ खान मोहम्मद हुसैन शाह और वलियल्लाह की प्रॉपर्टी जब्त की जबकि छह दिसंबर को सालोरा गांधरबल के अहमद वानी की प्रॉपर्टी जब्त की गई ये चारों अफराद हथियारों की तरबियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान चले गए हैं इस दौरान एनआईए ने खडवनी कुलगाम में एक रिहायशी मकान को अटैच कर दिया तेरह मरला जमीनी रुकबे पर कायम यह मकान फैयाज अहमद इत्तू फैयाज खार का है इस मकान को यूएपीए के तहत एनआईए स्पेशल कोर्ट जम्मू की हिदायत पर जब्त किया गया है पुलिस ने यूएपीए के तहत अदालत के अहकाम पर अमल करते हुए चरसू अवंतीपोरा में दो मकान को अटैच किया यह मकान खुर्शीद अहमद भट्ट और इसके पांच भाइयों के नाम पर हैं अब एक गमना खबर जोजिला पास पर आज एक सड़क हादसे में पांच अफराध जा हुए यह हादसे उस वक्त पेश आया जब करगिल से सोनमर्ग आ रही एक गाड़ी जोजिला पास के मकाम पर सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जागिरी फौज पुलिस और मकामी लोगों ने फौरन बचाव कार्रवाई शुरू की पाजालपड़ा बिजबिहाड़ा में आज सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अनुमानी शेरोंदव जम्मू कश्मीर ने किया था कॉन्फ्रेंस में सुखाजलू अदीबों और शायरों ने शिरकत की इस मौके पर मारूफ शायर नादिरन को खिलत रसूल मी से नवाजा गया जबकि नामवर शायर मंजूर खालिद को खिलत गुलाम मोहम्मद शाद से नवाजा गया जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की तरफ से श्रीनगर में मुनतदा तीन रोजा पेंटिंग कैंप आज इख्ताम पसी हुआ इस सिलसिले में अकेडमी के सेमिनार हाल में इज्जत अफजाई की एक तकरीब मुनद हुई इस मौके पर आर्टिस्ट्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम की गई आइए अब रुख करते हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग का सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी में आज एक म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम हुआ वाक में टूरिज्म कश्मीर और जम्मू कश्मीर गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन के मुश्तर अशतराक से मुनकरद इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स ने अपने फन का मुहिरा करके मौजूद लोगों को महसूस किया प्रोग्राम में काफी तादाद में आम लोगों और सयाहों ने शिरकत की सुकास्ट कश्मीर में आज जरात और माहौलियात में नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी सी पर चौथी कौमी स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग मुनकद हुई इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत की तरफ से जारी करदा प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायजा लिया गया इस मौके पर वजारत से ताल्लक रखने वाले कई माहन भी मौजूद थे कपवाड़ा जिले में सोलर लाइट्स तकसीम करने के सिलसिले में आज एक प्रोग्राम मुनद हुआ इस प्रोग्राम का अफ्ताह कपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदन ने किया इस मौके पर तकरीर करते हुए आयुषी सुदन ने हुकाम से कहा कि वो मुकर्र वक्त के अंदर अंदर इन सोलर लाइट्स को नस्ब करके आवाम को राहत पहुंचाने का काम करें नाजरीन आप जानते हैं कि मौसम सरमा चल रहा है तो मौसम सरमा के हवाले से जहां डिविजनल इंतजामिया की तरफ से तैयारियां जारी हैं इसी तरह से जिला सतह पर भी तैयारियां जारी है अनंतनाग की अगर बात करेंगे अनंतनाग में आज बर्फबारी की सूरत में सड़कों से बर्फ हटाने के काम का मॉक ड्रिल हुआ मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग में इस मॉक ड्रिल के मौके पर महकमे के अफसरान और दीगर एहलार मौजूद रहे इस मौके पर मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद अहमद तांत्रे ने कहा कि बर्फ हटाने के काम के लिए एक सौ पांच स्नो क्लियरेंस मशीनों को तैयार रखा गया है उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में इस सिलसिले में पंद्रह कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं जिनमें से सात कंट्रोल रूम अनंतनाग तीन कुलगाम दो शोपिया जबकि तीन पुलवामा जिले में कायम किए गए हैं नाजीन अब आग की वारदात से मुतलिक खबर कि जांप कदल श्रीनगर में आग की एक वारदात में छह दुकान और दो रिहायशी कमरे खाकिस्तर हुए यह आग आज सुबह बुदार हुई जिसके फौरन बाद फायर सर्विस हमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक लिया इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है आइए आखिर फिर मौसम का हाल जानते हैं आखिर मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश रहने का इम्कान है श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरार तेरह डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत मनफी दो आशारिया छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत चौबीस अशारिया चार डिग्री सेल्सियस जबकि गुज्तर रात का कम से कम दर्ज हरारत नौ आशारिया छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया नाजीन इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज एट द रेट डी डी न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं इस इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफज